आज बहुत ठंड है। आज जब मैं निकला तो काफी कोहरा पड़ा हुआ था। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में आ चुका है। सुबह से ही हर तरफ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट हुई है, जिसके साथ ही पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। भीषण ठंड से थोड़ी राहत पाने के लिए जगह जगह लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से भीषण ठंड और शीतलहर बह रही है। पूरे राज्य पर कोहरे का कहर इस कदर छाया हुआ है कि वाहनों का आवागमन काफी कम हो चुका है। आज बहुत ठंड है और घर से निकलने के बाद, एक जैकेट पहनने के बाद, काफ़ी कोहरा पड़ने की वजह से हाथ में कपन आ गया और अलाव के कहीं व्यवस्था नहीं है अभी, और काफ़ी जो है हाथ पैर में जो है जलन है। ये वजह से जो है लोग कम आवागमन है और लोगों को जो है परेशानी हुई है। आज मैं सुबह सुबह निकला तो बहुत ज़्यादा, ऐसे तो नॉर्मली कोहरा नहीं पड़ता, कोहरा इतना नहीं पड़ता है, लेकिन आज जब मैं निकला तो काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ था। हमने कम कपड़े भी पहने हुए थे, ठंड लग रही है, इसीलिए आके यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। काफ़ी ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लग रहा है कि इस बार जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कोहरा ज़्यादा है, काफ़ी कोहरा गिर रहा है। आगे 10 मीटर के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह 5 बजे निकलता हूँ, लेकिन आप 7 बजे निकले तो अब बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी एकदम आप देख रहे होंगे, बहुत घना कोहरा है, चारों तरफ कोहरा कोहरा है। आज आदमी बाहर एकदम नहीं दे, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहीं निकल पा रहे हैं, नहीं कोई दूसरा निकल नहीं पा रहा है। आज बनारस में बहुत ज़्यादा ठंड है और लोग जो सुबह निकलते थे वो इस समय निकल नहीं पा रहे। हम लोग भी निकले हैं, अब रिटर्न होकर तुरंत हम लोग जा रहे हैं। कोहरे ने सड़कों के साथ साथ ट्रेनों को भी प्रभावित किया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं दिल्ली से जालंधर जा रहा हूँ, मेरी 3 आवर्स ट्रेन लेट है सर, 3 आवर्स। क्या परेशानी को दिक्कत करना पड़ेगा आपको? परेशानी सर यही है कि वहाँ पर जाएंगे तो फिर मतलब नाइट में पहुँचेंगे, फिर आगे भी जाना है उससे आगे, तो वहाँ के लिए कन्वीनियंस नहीं मिलेगा कुछ भी, तो फिर रात में तो ट्रैवल करना वैसे भी थोड़ा बेसम माना जाता है, तो इस वजह से।